नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स इन द मिक्स्ड ग्रुपिंग. मतलब मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब है सेल्स आपने आइडेंटिकल सेल्स दिए हैं, सेल्स सीरीज में भी होंगे और सेल्स पैरेलल में भी होंगे. सपोज आपने आइडेंटिकल सेल्स लिए एन सेल्स, उनको क्या किया सीरीज में लगाया. फिर आपने आइडेंटिकल सेल्स दिए एन सेल्स, उनको सीरीज में लगाया. फिर आपने आइडेंटिकल सेल्स दिए एन सेल, उनको सीरीज में. ऐसे करते करते आपने कितनी रोज बनाई, एम रोज बनाई, एम लाइंस बनाई. पहले एन सेल सीरीज में कनेक्ट किए, फिर एन सेल सीरीज में कनेक्ट किए, एन सेल सीरीज में कितने टाइम्स, एम टाइम, पैरेलल में लगा दी. ओके, इट इज़ कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. नाउ सी व्हाट विल हैपन. नाउ इन ईच रो, ईच रो का ई एम एफ कितना होगा. देखो ई होगा, हर का ई है तो टोटल कितना हो जाएगा. आपने कितने लिए एन सेल्स लिए तो टोटल ई एम एफ एन ई. और इन पैरेलल कितनी रोज है पैरेलल में, एम रोज है. ओके, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा. देखो हर रो का रेजिस्टेंस कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर एन आर एन आर कितने टाइम्स, एम टाइम्स. तो एम बाय एन आर हो जाएगा, तो आर पी कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया आप, एन आर बाय एम हो गया. नाउ टोटल रेजिस्टेंस, इस पूरे का रेजिस्टेंस अभी आपने क्या निकाला, आपने एन आर बाय एम. इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो क्या बन जाएगा एन आर बाय एम प्लस आर. ओके, टोटल ई एम एफ कितना था आपके पास, एन ई, एक रो का, ईच रो का टोटल ई एम एफ आपके पास कितना था, एन ई. तो करंट कितना आ गया, एन ई बाय एन आर प्लस एन आर बाय एम प्लस आर. एन ई आपने क्यों एन ई ले लिया, सिंगल रो का क्यों लिया. देखो मैंने आपको बताया था जब आइडेंटिकल सेल्स होते हैं तो एक लाइन, एक का जो ई एम एफ होता है ना वही सबका ई एम एफ होता है. ओके, यही किया था हमने पिछले टॉपिक में भी. देखो यस, जो एक का होगा वही टोटली इक्विवेलेंट ई एम ई आता था आपके पास, इक्विवेलेंट ई एम एफ ई आएगा. मतलब जो एक का होगा ना वही सबका होगा. तो एन ई आ गया आपके पास अपॉन वॉट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अभी आपने निकाला एन आर बाय एम प्लस आर. क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलसीएम लेके एम आ जाएगा, यहाँ पर एम आर बन जाएगा. एम को ऊपर ले जाओ, एम ई एम ऊपर चला जाएगा, एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर. नाउ आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आप चाहते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करें. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट तभी फ्लो करेगा जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, मीन्स एन आर प्लस एम आर मिनिमम होगा. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट का स्केयर प्लस अंडर रूट. देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एन आर को मैं अंडर रूट एन आर का स्केयर लिख सकती हूँ, एम आर को मैं अंडर रूट एम आर का स्केयर लिख सकती हूँ, प्लस ये दो टर्म्स प्लस माइनस कर देंगे. ये क्यों कर रहे हैं, परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए कर रहे हैं. टू रूट एन आर अंडर रूट एम आर प्लस माइनस टू रूट एन आर अंडर रूट एम आर, यही टर्म आपने प्लस कर दी, यही आपने माइनस कर दी. व्हाट इज दिस नाउ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्केयर. अब बताओ ये टर्म मिनिमम कब होगी, ये टर्म मिनिमम तब होगी व्हेन दिस पार्ट इज जीरो, जब स्केयर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. तो अंडर रूट एन आर रूट एम आर जीरो हो जाएगा, मीन्स एन आर किसके बराबर हो जाएगा, एम आर के बराबर. ओके, सो आर शुड बी इक्वल टू, आर निकालो यहाँ से एन आर बाय एम. मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब एन आर बाय एम के बराबर होगा तब आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम. ओके, आई इज़ मैक्सिमम ओनली व्हेन इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, एन आर बाय एम. थैंक यू.